गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिके जिस सर में। आज 26 जुलाई और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार होंगे इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज के अपडेट क्या है। रिट में 82 अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दी राहत। हाईकोर्ट ने रिट परीक्षा 2022 में 82 अंक यानी 54.5% से अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या अपडेट है देखिए। CMHO नर्सिंग भर्ती 2022, अब संभागीय आयुक्त करेंगे नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया की जांच। शिक्षा विभाग में डेपुटेशन निरस्त, 31 जुलाई तक वापस ड्यूटी पर लौटना होगा। 15 विभागों में बंपर भर्तियां, 13,184 सफाई कर्मचारियों से लेकर RS के 905 पदों के लिए आवेदन मांगे। 6 जुलाई और अगस्त में विभिन्न पदों के लिए भरे जा सकेंगे आवेदन। बच्चों को 10 साल से एक पुलिया नसीब नहीं, गेवरिया से 3 किलोमीटर दूर है कांटी स्कूल, नाले में पानी ज़्यादा होने पर बच्चों की भी छुट्टी। ग्रामीण स्कूल में 700 बच्चों पर 12 शिक्षक, शहर में 700 पर 39, ये क्षमता से दोगुना। माध्यमिक स्कूलों में समायोजन टला, आखिरी कब। स्नातकोत्तर पूर्वाध में ऑनलाइन प्रवेश शुरू, गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय CBSE, अब क्षेत्रीय भाषा में भी स्कूलों में होगी पढ़ाई। नोटिफिकेशन जारी किया, किताबें भी जल्द आएगी। बिना DPC रिक्त पदों को पाते ही वेतन पदोन्नति से बढ़ने जा रहा है शिक्षा विभाग। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने संयुक्त शासन सचिव से मांगा मार्गदर्शन। पाक विस्थापित सरकारी स्कूल का इंग्लिश मीडियम करने का विरोध, धरने पर बैठे बच्चे। स्कूल ने पेरेंट्स को बच्चों की TC लेने के निर्देश दिए, CBO बोले हिंदी माध्यम भी यही चलेगा। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक पूरक प्रायोगिक परीक्षा 2023 से संबंधित आप यहां पर देख सकते हैं पूरी अपडेट। आवेदन आज से राजस्थान लोक सेवा आयोग, पूरे हुए RS के प्रथम चरण की साक्षात्कार। PGT TGT PRT के पदों पर मौका, ये दोस्तों एग्जाम गाइड आप यहां पर देख सकते हैं वीडियो को रोक करके आराम से। श्री गंगानगर मेगा जॉब फेयर 28 जुलाई को, रजिस्ट्रेशन के लिए स्कैन करें। 100 मेगा जॉब फेयर राजस्थान भर में आयोजित करने का लक्ष्य। 14 जॉब फेयर अब तक आयोजित हुए, 42,677 युवाओं को रोजगार के लिए ऑफर लेटर मिले। 87,000 विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिला। डायल फ्यूचर कैरियर काउंसलिंग के लिए स्थायी हेल्पलाइन शुरू। इग्नू में प्रवेश अब 31 जुलाई तक। ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से संबंधित परीक्षा संबंधी सूचना है। अब निदेशालय या सचिवालय की अनुमति बिना प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगेंगे शिक्षक। प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा व शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश। JNU में शुरू हुई PG कोर्स प्रवेश प्रक्रिया। महात्मा गांधी स्कूलों के संविदा शिक्षकों की काउंसलिंग 27 व 28 जुलाई को। गार्गी पुरस्कार की द्वितीय किस्त के लिए 31 अगस्त तक आवेदन, ऑनलाइन करना होगा आवेदन। प्रायोगिक पूरक परीक्षाएं कल से 1 अगस्त को होगी खत्म, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राजकीय महाविद्यालय नव प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन। इंजीनियरिंग कॉलेजों में BTEC द्वितीय वर्ष में लीप के जरिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 18 तक कर सकेंगे आवेदन। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में PhD होल्डर को फायदा, नेट और GRF से काफ़ी आगे रहेंगे। UGC में सहायक प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी में 3 दशक में 6 बार किया बदलाव। प्री DLED 25,000 सीटों के लिए आवेदन 30 तक। स्टूडेंट्स ने दी परीक्षा, यूनिवर्सिटी ने अनुपस्थिति बताकर किया फेल। संस्कृत यूनिवर्सिटी के परिणामों में गड़बड़ियां, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के चक्कर में काट रहे हैं छात्र। गार्गी पुरस्कार की दूसरी किस्त के लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर पाएंगी छात्राएं। RS 2021 पहले चरण के इंटरव्यू पूरे, दूसरे चरण के कार्यक्रम घोषित नहीं, अब आयोग अंतराल लेगा। दोस्तों ये थी आज की अपडेट, आज का चर्चा सुविचार। दुनिया में सिर्फ शहद ही ऐसी चीज़ है जिसको 1,000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के
दिल पे राज किया जा सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की अपडेट समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।